नमस्कार दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं TVS Ntorq का इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में। और ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। और जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है स्मार्ट कनेक्ट। तो आप इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप 9 ब्लूटूथ पेयरिंग कर सकते हैं। तो ये अगेन बहुत ही अच्छी बात है। बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से आप बहुत कुछ इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसके क्या कुछ फीचर्स है, ये क्या कुछ ऑफर करता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमने सुना है कि ये जो स्कूटर है बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड है, मतलब मोस्ट एडवांस स्कूटर टिल डेट इन द इंडियन मार्केट टिल नाउ। लेकिन हम देखने वाले हैं इसमें क्या कुछ है। तो चलिए यार शुरू करते हैं। ये जो कंसोल है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इसका कैसा आकार है। ये गेमिंग कंसोल है आप कह सकते हैं, क्योंकि ये इंस्पायर्ड उसी से है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, गेमिंग कंसोल जैसे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है, एक छोटा सा एक ऐसा है, तो ये एक लाइट है बेसिकली। और ये आप देख सकते हैं नीचे पावर ऑफ पावर एक लिखा है, ऊपर लिखा है इकोनॉमी। तो गाड़ी अगर 50 KMPH के अंदर होगा तो वो ग्रीन दिखाएगा, और जैसे ही 50 KMPH को क्रॉस करेगा तभी वो रेड हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो आप ज़्यादा कुछ पावर यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप सिंपली कह लीजिए आप इकोनॉमी मोड से बाहर हो गए, आपका माइलेज थोड़ा घटेगा। राइट में आपका फ्यूल इंडिकेटर रह जाता है, जो कि एक लाइटिंग की तरह एक दिखाता है, एक अनोखी चीज़ों के टीवीएस ने किया हुआ है। और ये जो लाइट है ये रिजर्व होने पर ब्लिंक करेगा। दोस्तों आप यहाँ पर कुछ देख पा रहे हैं, ये कुछ चीज़ है ना, तो वो बेसिकली एक ऑटो ब्राइटनेस सेंसर है यार, सही में मोबाइल की तरह ही है। तो बेसिकली वो ब्राइटनेस को डिटेक्ट करके आपको स्क्रीन का विजिबिलिटी ऑप्टिमाइज़ करता है। मतलब अगर आप सनलाइट पे जाए तो आपका जो ब्राइटनेस है बढ़ जाएगा, और अगर आप शेड पे जाए तो घट जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये इसका नॉर्मल मोड है, और करेंटली दिखा रहे ये फ्यूल एम्प्टी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है फ्यूल। दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, राइट में आपका रहेगा फ्यूल इंडिकेटर, और लेफ्ट में ये टेम्परेचर इंडिकेटर कि आपका जो टेम्परेचर है गाड़ी का, जो टेम्परेचर इंजन का टेम्परेचर है कितना है। तो सेंसर बेसिकली दिया हुआ है उन्होंने। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपका ट्रिप मीटर रह जाता है, और बेसिकली 2.6 किलोमीटर दिखा रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ODO, तो ओडोमीटर है। तो बेसिकली ये जो पार्ट है ये ओडोमीटर आपका है, गाड़ी 2 किलोमीटर चला है। और राइट में आपका ये दिखा देता है टाइम, बेसिकली इसको हमने कैलिब्रेट नहीं किया है तो ये कुछ अजीब सा टाइम दिखा रहा है। और इसका एक खासियत है दोस्तों, ये जो पार्ट है ना, मतलब यहाँ जो F लिखा हुआ है, मतलब ये जो पार्ट है और ये जो लाइट है ना, ये दोनों सिंक्रोनाइजेशन में है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर इसका जो रेंज है, मतलब जो F लिखा है या फिर यहाँ जो लिखा है, ये कभी कभी रेंज ही बताता है। तो अगर आपका गाड़ी का रेंज विद इन 1 किलोमीटर रह जाएगा, या फिर कुछ लिमिट सेट की हुई उन्होंने जिसके कारण उस लिमिट के नीचे चला जाएगा, तो ये जो लाइट है ये ब्लिंक करेगा और एक ऐसा दिखाएगा कि आपको रिफ्यूलिंग करना चाहिए। सो दोस्तों ये स्ट्रीट मोड है, जो कि फर्स्ट मोड है। अभी फ्यूल एम्प्टी है तो वह दिखा रहा है बस, लेकिन ये स्ट्रीट मोड है। इसका 3 मोड्स आते हैं, चलिए नेक्स्ट मोड को देखते हैं। दोस्तों ये आपका रह जाता है नेक्स्ट मोड, जो कि स्पोर्ट मोड है। यहाँ पर कुछ लिखा होगा स्पोर्ट मोड, क्योंकि अभी फ्यूल एम्प्टी है तो बस ऐसा ही लिखा है। लेकिन यहाँ पर पहले लिखा होगा स्पोर्ट मोड, अगर आप गाड़ी को चलाए तो ऑन दी अपर लेफ्ट पार्ट, ये पार्ट आप देख सकते हैं लिखा है लैप। तो बेसिकली ये डिस्टेंस है आपका, लैप का जो डिस्टेंस है ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर देता है। आपका राइट पे ये दिखाएगा आपका लैप टाइम, तो ये एक लैप टाइमर है। यहाँ मिनट्स है, सेकेंड्स है, इवन मिली सेकेंड्स भी है। तो एक अगेन एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए उन्होंने मिली सेकेंड्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आपका रह जाता है जो स्पीडोमीटर, और यहाँ पर आपका 0 to 60 टाइमिंग। तो अगेन एक एडिशन है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि कितना आपका गाड़ी आप तेज़ चलाए हैं, या फिर आपका जो पिकअप है कितना अच्छा है गाड़ी का। और लेफ्ट पे और राइट पे चीज़ वही रहता है, जो कि अगेन आपकी गाड़ी का इंजन का टेम्परेचर कितना है, और राइट में फ्यूल इंडिकेटर। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी आप लोग जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है राइट स्टैट्स एंड लास्ट लैप। तो बेसिकली वो जो है आपको, ये स्पोर्ट मोड का सेकेंड पार्ट है इस डिस्प्ले का। तो इसमें आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एवरेज स्पीड, मतलब अगर आप उस लैप पे गाड़ी चलाए और आपका एक एवरेज स्पीड वो कैलकुलेट करके सॉफ्टवेयर से आपको बता देगा कि आपका एवरेज स्पीड कितना रहा, तो आप अगेन इसको इम्प्रूव फ्यूचर में कर सकते हैं अगर आप उस लैप को अगेन करें।
दोस्तों बस इतना ही था इस कंसोल के लिए, जहाँ पर आप मैन्युअली इसको ऑपरेट कर सकते हैं ये जो दोनों बटन दी हुई है इसके थ्रू। बाकी सारे जो चीज़ आप एक्सेस कर सकते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के पार्ट को, आप उसको करना पड़ेगा आपके ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू, मतलब आपके मोबाइल के थ्रू। बेसिकली आपका अगर एंड्रॉयड डिवाइस है या फिर आपका एक iOS डिवाइस है, उसके लिए एक सेपरेट ऐप होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो कि APK फाइल होता है, आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और आप उसको पेयरिंग कर सकते हैं इसके थ्रू। और बेसिकली ये दोनों जो आपका मोबाइल है और ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है आप देख पा रहे हैं, ये एक सिंक्रोनाइजेशन वे में चलेंगे, क्योंकि आपका तो पेयरिंग हो चुका होगा तो आपके मोबाइल पर कोई कॉल आएगा तो यहाँ पर डिस्प्ले पे वो दिखा देगा कि कोई कॉल आ रहा है। अगर कोई मिस्ड कॉल हो गया या फिर ऐसा कुछ हो गया तो वो बता देगा, या फिर SMS एक आया तो वो भी दिखा देगा। और इसका एक एडिशनल चीज़ होता है दोस्तों, ये लास्ट व्हीकल पार्किंग असिस्टेंस के साथ भी आता है जो कि टॉप एंड कार्स में होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आप जहाँ पर गाड़ी को पार्क किए होंगे तो उसका एक लोकेशन वो आपके मोबाइल ऐप के थ्रू उसको बता देगा, मतलब जो मोबाइल का जो ऐप है वो उसको इसका लोकेशन बता देगा। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप चीज़, ये वाईफाई इनेबल्ड है, ब्लूटूथ इनेबल्ड है और इसके अंदर एक चिप है जिसमें ECM इनेबल्ड हो जाता है। जब आप अपने मोबाइल के ऐप के थ्रू एक्सेस करना चाहें इस गाड़ी का लोकेशन, तो ये जो गाड़ी का लोकेशन ECM के थ्रू जब इनेबल हो जाता है तो उसके बाद आप अपने ऐप के थ्रू इस गाड़ी का लोकेशन जान पाएंगे और इसके पास आएंगे तो आपका गाड़ी मतलब खो नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो आपका मोबाइल है आप ऐप के थ्रू कनेक्ट करने के बाद, पेयरिंग करने के बाद वो सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करेंगे। तो बेसिकली इसका जो डेली स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिकल डाटा है, कहाँ पर गया आप, कहाँ पर ठहरे, बाकी सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके जो मोबाइल का जो ऐप है वो उसमें स्टोर हो जाएगा, वो बेसिकली ऑटो डाउनलोड हो जाएगा एक काइंड ऑफ। तो आप अपने जो डेली डाटा है अपने मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि गाड़ी कैसे, कहाँ, कब, गाड़ी के बारे में बेसिकली आप सारे चीज़ें जान सकते हैं। तो ये एक एडवांस फीचर है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक था वीडियो जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि आपके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में TVS Ntorq का क्या कुछ मिल जाता है। प्राइस, बाकी सारी चीज़ें देखने के लिए आप मेरा एक सेपरेट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जिसमें मैंने आपको इसके सारे फीचर्स के बारे में हूबहू सारे चीज़ें बताया है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।